बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के फॉर्मूले का आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने पहले चरण में बिहार की जिन सीटों पे लोकसभा चुनाव होने हैं उन सीटों के लिए ना केवल अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, बल्कि अब उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में जा रहे हैं। बिहार की जिन चार लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है, उन सीटों में गया सुरक्षित सीट है, इसके अलावा नवादा की सीट है, औरंगाबाद की सीट है और जमुई की सीट है। जमुई की सीट भी सुरक्षित सीट है और यहाँ भी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया है। गया से कुमार सर्वजीत, जो पूर्व मंत्री रहे पिछली सरकार में, कृषि मंत्री और फिलहाल बोधगया से विधायक हैं, उनको सिंबल दिया गया है। साथ ही साथ नए चेहरे की अगर बात करें तो जमुई सुरक्षित सीट से अर्चना रविदास को पार्टी ने उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इसी तरह जेडीयू के पूर्व विधायक रहे अभय कुशवाहा, जो गया इलाके से आते हैं, उनको औरंगाबाद से पार्टी ने सिंबल दिया है, औरंगाबाद से वो उम्मीदवार होंगे, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ अगर नवादा की बात करें तो वहाँ पर जो श्रवण कुशवाहा हैं वो उम्मीदवार हैं। जो अभी तक के सीट बट में उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उस पर कांग्रेस से कोई साझा सहमति नहीं ली गई, क्योंकि आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, वो गए थे लालू यादव से मिलने के लिए और अंदर से जब मिलकर निकले तो उनका अंदाज बता रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाराजगी है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि नवादा सीट जो है वो कांग्रेस चाहती थी, खुद अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे आकाश के लिए ये सीट चाहते थे, पहले मोतिहारी से वो चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में उनको जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार नज़र अखिलेश सिंह की जो है वो नवादा सीट पे थी और आरजेडी ने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, आरजेडी ने नवादा में अपना उम्मीदवार दिया है। तो एक एक सीट पर रस्साकसी जारी है। कांग्रेस की नाराज़गी जो है वो अब भले ही मीडिया में नहीं आई हो, लेकिन अंदर से जो खबरें आ रही हैं, कांग्रेस आरजेडी के इस फैसले से खुश नहीं है कि उम्मीदवारों की साझा घोषणा या सीट सीटिंग के फॉर्मूले की घोषणा के बगैर ही आरजेडी ने अपना उम्मीदवारों का सिंबल देना शुरू कर दिया है, उनको सिंबल दे दिया है पहले चरण के उम्मीदवारों को। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो दूसरा दांव खेल रहे हैं। जो उम्मीदवारों का चयन है वो बताता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल करने का जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, दरअसल उस दावे के पीछे उनकी प्लानिंग क्या है। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर ये हमेशा से कहा जाता है कि वो MY समीकरण वाली पार्टी है, लेकिन इस बार जिन उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें दो सुरक्षित सीटें हैं, चार लोकसभा सीटों में से दो सुरक्षित सीटें, जहां जो SC ST के रिजर्व होती है, मतलब अनुसूचित जाति के लिए, तो वहां तो दो उम्मीदवार उसी सेक्शन से देने थे, लेकिन बाकी जो दो सीटें हैं नवादा और औरंगाबाद, इन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल या यूं कह लीजिए कि तेजस्वी यादव ने बड़ा दांव लगाया है कुशवाहा चेहरों के ऊपर। अब कहा यह जाता है, अब जो बिहार में समीकरण है उसके मुताबिक लवकुश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है, नीतीश कुमार ही उसके कह सकते हैं कि संरक्षक बताए जाते हैं। नए इन्वेस्टर के तौर पे BJP उसी सेक्शन पे दांव लगा रही है। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और DC है सरकार में, वो कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, यानी कोयरी समाज से आते हैं, लेकिन अब RJD ने चार में से दो इसी समाज से उम्मीदवार देकर के बड़ा दांव खेला है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आगे भी कई और उम्मीदवार जो हैं वो ऐसे तबके से होंगे जिस तबके की कल्पना जो RJD के विरोधी खेमे में हैं वो नहीं की होगी, मतलब कुशवाहा भी होंगे और साथ ही साथ भूमिहार और दूसरी सवर्ण जातियों से भी उम्मीदवार होंगे। वैसे समाज से भी कई चेहरों पे RJD जो है दांव लगा सकती है। जो अंदर से जानकारी आ रही है, RJD के जो सोर्सेज हैं वो जो बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो NDA के लिए बहुत मुश्किल वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि NDA के जो मौजूदा सांसद हैं बिहार में वो पिछले दो टर्म से सांसद हैं, मतलब 10 साल से वो सांसद हैं ज़्यादातर सांसद, और उनके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं, मतलब जो लोकसभा सदस्य हैं, उनके खिलाफ उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर क्या उन उम्मीदवारों का बेड़ा पार हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या जो दांव तेजस्वी यादव खेल रहे हैं उस दांव के जवाब में BJP अपने सिटिंग सांसदों का टिकट काटेगी,
इस लिस्ट का भी इंतजार है, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा का भी इंतजार है। 22 मार्च को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसके बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। जेडीयू भी अपने पुराने उम्मीदवारों के ऊपर दांव लगाएगी या नए चेहरों को शामिल करेगी, इस पर भी नजर होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह महागठबंधन के पाले से आरजेडी ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वो परेशानी का सबब बन रही है एनडीए के लिए। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीमालम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।